आज हम लोग देखते हैं साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला कैसे डिराइव किया जाता है। क्या करेंगे हम लोग, एक हॉरिजॉन्टल लाइन लिए, मान लिया जाए यहां से जो है ये एंगल बन रहा है ए डिग्री या रेडियन जो बोले, और ये एंगल बन रहा है बी बन रहा है, ठीक है। तो ऑटोमेटिक ये पूरे का पूरे जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, पूरे का पूरा साइन ए संग पूरे का पूरा ए प्लस बी हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये एक ट्रायंगल बना, ठीक है, ये एक ट्रायंगल बना और ये एक ट्रायंगल बना, ट्रिगोनोमेट्री में हमेशा 90 ट्रायंगल बनना पड़ता है ना, ओ दिस इज पी क्यू आर एस टी हो गया। अब देखते क्या होगा, नाउ साइन ए प्लस बी करेंगे, अगर साइन ए प्लस बी करेंगे तो साइन ए प्लस बी करेंगे तो कौन सा ई रोटेंगल काम करेगा, ओपीटी। तो साइन ए प्लस बी दैट इज ओपीटी क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस बी टी पी बाय हाइपोटेनस ओ टी, इतना होगा, सिंपल सी बात है। अब नेक्स्ट क्या कर रहे हैं, यहां से जो है 90 डिग्री ड्रॉ कर रहे हैं, इस पर 90 डिग्री यहां पर ड्रॉ कर दिए, ठीक है, और इसको मिला दिए ऐसे करके, ऑटोमेटिक ये वाला एंगल ए है, ये 90 है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, दिस इज 90 माइनस ए, ये वाला अभी सेम टू सेम 90 माइनस ए एज इट इज, तो ये 90 है तो ऑटोमेटिक ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। उसी हिसाब से जो है बाकी देखते हैं, टीपी बाय ओटी हो गया। अब टीपी को क्या लिख सकते हैं, एस इसको टी, ये यू लिख देते हैं इसको, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, टी यू जोड़ यू पी होल डिवाइडेड बाय ओ टी। नाउ इसको हम लोग अलग करते हैं, टी यू बाय ओ टी प्लस यू पी बाय ओ टी। अब टी यू बाय ओ टी देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में सेट होगा, टी यू बाय ओ पी, टी यू बाय ओ पी कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में सेट नहीं किया, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, अब इसमें एक चीज और दिमाग आता है कि जैसे यहां से टी आर हम लोग मिलाए थे ना, तो एक ऐसा कंस्ट्रक्शन तो बिल्कुल पॉसिबल है कि 90 डिग्री हो जाए, कहने का मतलब जैसे ये एक लाइन है, ठीक है, ये एक लाइन है, तो कहीं ना कहीं तो ऐसा होवेन करेगा कि जहां पर 90 डिग्री मैच करेगा यहां मैच करे, या फिर यहां 90 डिग्री मैच करे, या फिर यहां 90 डिग्री मैच करे, कहीं कहीं तो 90 डिग्री होगा ही ना पॉसिबल। दैट इज दिस इज ए देन दिस इज क्या हो जाएगा, पूरा अपने 90 लिए हैं तो दिस इज 90 माइनस ए, ये 90 है तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज ए। अब क्या कर रहे हैं यहां पर, टी यू, अब टी यू ओ टी, टी यू, टी यू जो है इस 90 डिग्री ट्रायंगल का भाग है, इस 90 इस राइट ट्रायंगल का भाग है टी यू, तो ये टी यू जो है, और जो है ओ पी, ओ पी जो है इस 90 डिग्री वाला ट्रायंगल का भाग है, ओ टी नॉट ओ पी, ओ टी, ओ टी, ओ टी जो है इस 90 डिग्री वाला ट्रायंगल का भाग है, राइट एंगल ट्रायंगल, हाँ कि इसका भी भाग है, लेकिन हम लोग को चूज से करना है ताकि कोई एक साइड कॉमन हो जाए, जैसे यू टी नहीं है ना, या फिर टी यू और ओ टी है ना, तो टी यू, टी यू में कौन सा ट्रायंगल आ रहा है, टी यू में ये वाला ट्रायंगल आ रहा है टी यू आर, ठीक है, और ओ टी, ओ टी में दो ट्रायंगल आ रहा है, कैसे, एक आ रहा है ओ टी पी, ओ टी पी आ रहा है, और दूसरा क्या आ रहा है, ओ टी आर, ओ टी आर, ओ टी आर। अब ये दोनों में देखेंगे कौन सा ट्रायंगल इसमें मैच करेगा, कहने का मतलब कौन सा साइड मैच करेगा, तो इसमें से एक भी साइड इसमें मैच नहीं करेगा, जबकि इसमें मैच कर जाएगा टी आर, ठीक है, टी आर मैच करेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें टी आर से डिवाइड और टी आर से मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर ओ टी रहा, सेम थिंग इसके साथ करेंगे। अब यूपी है, यूपी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यूपी को लिख सकते हैं हम लोग आर क्यू, यूपी इसके बदले क्या लिख सकते हैं, यूपी बदले आर क्यू, नीचे ओ टी, उसी तरह देखेंगे आर क्यू, तो आर क्यू दैट इज दिस राइट ट्रायंगल आर क्यू और ओ टी, ओ टी, ओ टी, ओ टी, दिस इज ओ टी, आर क्यू में ये राइट ट्रायंगल हो गया और ओ टी में फिर वही राइट ट्रायंगल, तो मतलब यहां पर क्या हुआ, ओ आर कॉमन में आया दोनों में साइड में, दैट इज आर क्यू बाय ओ आर गुना ओ आर बाय ओ टी। अब देखते हैं क्या आया, टी यू बाय टी आर, टी यू बाय टी आर, टी यू बाय टी आर क्या हो गया, कॉस ऑफ ए टी आर बाय ओ टी, टी आर बाय ओ टी साइन बी प्लस आर क्यू बाय ओ आर, आर क्यू बाय ओ आर साइन ए, ओ आर बाय ओ टी, ओ आर बाय ओ टी क्या हो गया, कॉस बी हो गया, मतलब हमारे पास क्या हो गया, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या, साइन ए कॉस बी, इसको पहले लिख रहे हैं, प्लस कॉस ए साइन बी हो गया, बाकी और सबका फॉर्मूला निकालेंगे। अब नेक्स्ट लिखने वाले हम लोग कॉस ए प्लस बी का, तो कॉस ए प्लस बी दिस ट्रायंगल कॉस ए प्लस बी,
ए प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ पी बाय ओ टी हो जाएगा, ओ पी बाय ओ टी। नाउ ओ पी बाय ओ टी, तो देन ओ पी क्या लिख सकते हैं हम लोग, ओ क्यू माइनस पी क्यू डिवाइडेड बाय ओ टी। अब फिर क्या करेंगे हम लोग, ओ क्यू को तो ओ क्यू रहने दिए बाय ओ टी, और इस पी क्यू बाय ओ टी कर दिए। अब पी क्यू बाय ओ टी क्या लिख सकते हैं, सिर्फ इस चीज को, पी क्यू बाय ओ टी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस चीज को, इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं पी क्यू, पी क्यू पी क्यू मतलब यू आर बाय ओ टी। अब ओ क्यू ओ टी जैसे पीछे वाला ट्रायंगल में कॉमन हम लोग ढूंढे थे साइड, इसमें वही चीज काम करेंगे, ओ क्यू और ओ टी में, ओ टी ओ क्यू, तो ओ क्यू ये ट्रायंगल, ओ टी ये ट्रायंगल, दैट इज ओ आर, ओ आर डिवाइड ओ आर मल्टीप्लाई ओ टी माइनस, उसी तरह यू आर और ओ टी में दे देंगे यू आर यू आर यू आर, दिस इज यू आर और ओ टी, ऑटोमेटिक यही वाला मिलेगा टी आर, यू आर बाई टी आर बाई ओ टी, तो ओ आर ओ क्यू ओ आर, ओ क्यू ओ आर कॉस ए, दिस इज कॉस ए एंगल, एंड ओ आर बाई ओ टी, ओ आर बाई ओ टी दिस इज कॉस बी माइनस यू आर बाई टी आर, यू आर बाई टी आर, यू आर बाई टी आर, तो क्या हो जाएगा साइन ए इन टू, और क्या है टी आर बाई ओ टी, टी आर बाई ओ टी दैट इज साइन बी, साइन बी। इसका मतलब हमारे पास कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला निकल गया, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन कैसे किए हैं। पहले हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पर एक लाइन ले लिए हैं, इसको जो है क्या किया हम लोग, ये वाला पूरा पूरी एंगल ए ले लिए हैं, और ये वाला एंगल पूरा पूरी क्या लिया यहाँ पर बी ले लिया, तो ऑटोमेटिक ये वाला क्या हो जाएगा ए माइनस बी, वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है। अब क्या किया यहाँ से इसमें 90 डिग्री डाले हैं जो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ऐसे नीचे कर दिए, इसको भी नीचे यहाँ 90 डिग्री ड्रॉ कर दिए, और यहाँ से इसको मीट कर दिए, यहाँ से भी 90 डिग्री पर जो यहाँ पर ड्रॉ किए। तो इस फोटो को देखते हैं हम लोग उस चीज को समझ सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब देखें हम लोग साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन ए माइनस बी मतलब ये वाला ट्रायंगल, छोटा वाला ट्रायंगल, तो क्या हो जाएगा दिस इज आर क्यू बाई ओ आर। तो आर क्यू क्या लिख सकते हैं, आर क्यू को हम लोग लिख सकते हैं एस पी बाई ओ आर। अब एस पी को क्या लिख सकते हैं हम लोग, एस पी को लिख सकते हैं टी पी माइनस पी एस डिवाइडेड बाई ओ आर। नाउ टी पी बाई ओ आर टी एस बाई ओ आर, टी पी ओ आर, टी पी टी पी, टी पी में ये ट्रायंगल बना, और ओ आर में कौन सा ट्रायंगल बना, ओ आर में भी ये ट्रायंगल बना, टी पी में भी ये ट्रायंगल, ओ आर में भी ये ट्रायंगल, दैट इज ओ टी को हमको काम करना पड़ेगा इसमें, डिवाइड और मल्टीप्लाई, दिस इज टी पी ओ टी मल्टीप्लाई ओ टी डिवाइड कर दी यहाँ पर ओ आर। उसी तरह टी एस में देखना पड़ेगा, टी एस ओ आर में, टी एस और ओ आर ऑटोमेटिक, टी एस और ओ आर ये ट्रायंगल चल जाएगा, टी आर, टी आर और टी आर ओ आर। अब टी पी बाई ओ टी, टी बाई ओ टी, टी बाई टी पी बाई ओ टी, तो ये क्या हो जाएगा दिस इज साइन ए इन टू ओ टी बाई ओ आर, ओ टी दिस इज ओ टी बाई ओ आर, यहां पर 90 डिग्री है, दिस इज ओ टी बाई ओ आर, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, तो ओ टी बाई ओ आर दैट इज बेस बाई हाइपोटेन्यूज हो गया ना, और इस क्या हो जाएगा कॉस बी बिकॉज ये एंगल बी है। उसी तरह यहां पर जाता है टी आर बाई टी एस, टी आर बाई टी एस, अब इसमें तो एंगल निकालना पड़ेगा, दिस इज आवर किस एंगल, ये मेरा क्या है, ये एंगल बी है, ये मेरा क्या होगा 90 है, तो ऑटोमेटिक 90 है तो ये मेरा क्या हो जाएगा, दिस एंगल, ये पूरा होल पार्ट मेरा क्या हो जाएगा, दिस इज 90 डिग्री माइनस बी हो जाएगा, ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। अच्छा अब और दूसरा चीज लेते हैं हम लोग, ये पूरा पूरी क्या है, ये पूरा पूरी एंगल 90 ए है, ये 90 है, तो ये वाला मेरा क्या हो जाएगा, दिस इज 90 माइनस ए, ऑटोमेटिक ये वाला क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, इसी में तो मेरा काम बन जाएगा, इसको लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है, ये हो गया सिंपल। तो दैट इज टी आर बाय टी एस, टी आर बाय टी एस मतलब टी आर बाय टी एस बाय टी आर, टी एस बाय टी आर दैट इज बेस्ड बाय हाइपोटेन्यूज, दैट इज क्या हो जाएगा कॉस एंगल ए इनटू टी आर बाय ओ आर, टी आर बाय ओ आर, इसके हिसाब से पी बाय एच दैट इज साइन ए साइन बी बिकॉज ये ट्रायंगल बी वाला है। तो मेरे पास क्या निकला, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला निकल गया मेरा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। उसी तरह हम लोग कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला निकाल लेते हैं, सेम केस, कॉस ए माइनस बी, व्हाट इज कॉस ए, कॉस ए माइनस बी का पूरा चलेगा, दैट इज क्या हो जाएगा, दिस इज ओ क्यू बाय ओ आर, दिस इज ओ क्यू बाय ओ आर। तो ओ क्यू बाय ओ आर को क्या लिख सकते हैं हम लोग, ओ पी प्लस पी क्यू बाय
ओ आर, दिस इज ओ पी बाई ओ आर प्लस, अब पी क्यू, पी क्यू बदले हम लोग दूसरा चीज क्या लिख सकते हैं, पी क्यू बदले एस आर लिख सकते हैं, सीधा बात है, एस आर बाई नीचे ओ आर था ना, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो ओ पी, ओ पी बाई ओ आर, तो ओ पी ओ आर वाला ट्रायंगल में कौन सा कॉमन होगा, ओ पी मैंने ये ट्रायंगल, ओ आर मैंने ये ट्रायंगल, ऑटोमेटिक ओ टी हो गया, तो ओ पी बाई ओ टी, ओ टी बाई ओ आर प्लस एस आर बाई ओ आर, एस आर, एस आर मैंने ये ट्रायंगल, ओ आर मैंने ये ट्रायंगल, मैंने टी आर, तो एस आर टी आर इंटू टी आर ओ आर, देखते इसमें क्या आया, तो ओ पी बाई ओ टी, ओ पी बाई ओ टी, ये क्या हो गया कॉस ऑफ एंगल ए, बढ़िया से देखना पड़ेगा, ओ पी बाई ओ टी, ठीक है, ओ टी बाई ओ आर, ओ टी बाई ओ आर, ओ टी बाई ओ आर, दैट इज क्या हो गया, ओ टी बाई ओ आर कॉस ऑफ एंगल बी प्लस साइन आर, साइन एस आर बाई टी आर, एस आर, व्हाट इज दैट, एस आर बाई टी आर, तो एस आर बाई टी आर, दिस इज साइन एंगल ए इंटू टी आर बाई ओ आर, टी आर बाई ओ आर, दिस इज साइन ऑफ एंगल बी, अर्थात मेरे पास आ गया कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला, ये वाला आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, अगर नेक्स्ट चलते हैं कॉम्प्लेक्स मेथड से हम लोग साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला निकालेंगे, तो ई टू द पावर हम लोग जानते हैं ई टू द पावर आई थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, तो उसी तरह ई टू द पावर आई अगर मान लिया यहाँ पर ए प्लस बी हो जाए तो क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस बी प्लस आई साइन ए प्लस बी, इतना हो गया। अब यहाँ पर अब लेफ्ट तरफ देखते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, ई टू द पावर आई ए प्लस आई बी लिख सकते हैं, ठीक है, इधर जो है सो इसको क्या लिख सकते हैं, e टू द पावर आई ए गुना e टू द पावर आई बी लिख सकते हैं, इधर जो है, अब इसको क्या लिख सकते हैं, सेम फॉर्मूला के हिसाब से cos ऑफ थीटा प्लस आई साइन थीटा, नो नो ये थीटा इज ए, सो आई विल हैव टू राइट हियर ए, और फिर क्या हो जाएगा, दिस इज cos ऑफ b प्लस आई साइन b, आई साइन b, दिस इज b, आई साइन b, इधर राइट साइड में सेम चलते आ रहा है, तो क्या करेंगे, अब इसको सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉस ए टाइम्स कॉस बी, कॉस ए टाइम्स कॉस बी माइनस माइनस साइन ए टाइम्स साइन बी, यहाँ पर आई क्या है, आई मेरा अंडर रूट माइनस वन, इसलिए आई 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 स्क्वायर माइनस वन हो गया, इसके बाद क्या आएगा, आई कॉमन हो जाएगा, तो हो जाएगा मेरे पास साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, इसको मल्टीप्लाई कर देख सकते हैं, ये चीज आना ही है, दिस इज इक्वल टू व्हाट, कॉस ए प्लस बी प्लस आई टाइम्स साइन ए प्लस बी, तो हम लोग रियल रियल पार्ट और इमेजिनरी इमेजिनरी पार्ट हम लोग क्या बोलते हैं इक्वेट करेंगे, तो हमारे पास क्या फॉर्मूला मिल जाएगा, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या निकला, ये ऊपर वाला रियल पार्ट, दैट इज कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, उसी तरह साइन ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला मिलेगा हमको, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, हो गया प्रूफ, उसी तरह जो है हम लोग माइनस लेते हैं, मान लीजिए ई टू दी पावर ए माइनस बी रहेगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, कॉस ए माइनस बी प्लस आई साइन ए माइनस बी लिख सकते हैं, अब इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, इस वाले पार्ट को देखते हैं, ठीक है, ई टू दी पावर आई ए माइनस बी, इसको क्या लिख सकते हैं, ई टू दी पावर आई ए माइनस आई बी, इसको क्या लिख सकते हैं, ई टू दी पावर आई ए डिवाइडेड बाई ई टू दी पावर आई, सब इंटीजर्स का फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ थीटा प्लस थीटा नॉट, दिस इज ए, दिस इज ए, दिस इज ए प्लस आई साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ बी प्लस आई साइन बी, अब क्या कर रहे हैं, इस चीज को जो है ना मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, कॉस बी माइनस आई साइन बी, कॉस बी माइनस आई साइन बी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखते हैं उसके बाद क्या आएगा, समझा इसको, नहीं समझा, ये आ गया, इसको हम लोग ऊपर नीचे ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, क्या हो जाएगा, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन साइन ए साइन बी, मल्टीप्लाई को कर सकते हैं, माइनस साइन माइनस प्लस आई, तो प्लस वन हो जाएगा, प्लस आई टाइम्स दिस इज साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी होल डिवाइडेड बाय, नीचे वाला क्या बन जाएगा, नीचे वाला तो सिंपल है, कॉस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी, जिसका मान तो वन होता है हम लोग जानते हैं, तो ये चीज में क्या आ गया, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी प्लस आई टाइम्स साइन ए कॉस ए साइन बी, ये पूरा पूरी मेरा इसके बराबर होगा, तो रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट ये रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट ये वाला पार्ट है, मतलब हम लोग ये मेरा फॉर्मूला बन गया कॉस ए माइनस बी का, बिकॉज इक्वेट कर देंगे रियल रियल इमेजिनरी इमेजिनरी, ये बन जाएगा साइन ए माइनस बी का, तो साइन ए माइनस बी कितना हो जाएगा, साइन ए माइनस बी मेरा इसके बराबर हो जाएगा ये वाला चीज, और कॉस ए माइनस बी मेरा इसके बराबर हो जाएगा, ये दूसरा तरीका से प्रूफ हो गया। नेक्स्ट आप थर्ड मेथड चलते हैं प्रूफ करने का, क्या किया उसमें हम लोग एक यूनिट सर्कल लिया, यूनिट सर्कल किसको बोलते हैं, जिसका रेडियस क्या होना चाहिए, इसका रेडियस वन होना चाहिए, इसको यूनिट सर्कल बोल रहे हैं,
तो क्या किए हैं, ये ऐसा टाइप का कंस्ट्रक्शन हुआ है, इसमें हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ से एंगल ये बी हुआ, ये माइनस बी हो गया, बिकॉज इस डायरेक्शन में तो हम लोग नेगेटिव एंगल ही लेंगे ना। तो अब इसमें थोड़ा विचार करते हैं, अगर ये मान ले जाए ये हाइपोटेन्यूज दैट इज आर देकर रखा हुआ है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, दिस इज आर कॉस थीटा, हम लोग ट्रिगोनोमेट्री यूज करके इसको निकाल सकते हैं, ये वाला कितना होगा आर ऑफ आर साइन थीटा, ठीक है। इसी बेसिस पर मतलब क्या हुआ, यहाँ पर क्या देखें हम लोग, ये जितना लंबाई है और ये थीटा है, नीचे वाला आ जाएगा ये हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा और ये हाइपोटेन्यूज साइन थीटा, सीधा बात है। अब ये क्या, ये तो रेडियस है, रेडियस का वैल्यू तो 1 हो जाएगा, ये भी क्या है रेडियस, रेडियस का वैल्यू 1 हो जाएगा, ये भी क्या है रेडियस, रेडियस का वैल्यू 1 हो जाएगा, यहाँ सब 90 डिग्री में हुआ है, ठीक है। तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये वाला चीज 1, ये वाला बेस वाला चीज और ये परपेंडिकुलर वाला चीज, दिस बेस ये कितना आएगा 1 cos थीटा, ये वाला पीस दैट इज, इसको ले लेते हैं पी, अगर ले लेते हैं चीज को तो यहाँ पर ओ है, तो ओ पी इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 into cos थीटा, cos थीटा का हम क्या है यहाँ पर ए है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, ए लिख देंगे, दैट इज cos ए, नीचे वाला cos ए हुआ, ठीक है। ये वाला पार्ट मेरा क्या हो गया, cos ए हुआ, cos ए हो गया, और ये वाला चीज क्या हो जाएगा, sin ए हो जाएगा उसी बेसिस पर। तो ये वाला मेरा पहला कोऑर्डिनेट क्या मिल गया, cos ए कॉमा sin ए मिल गया, उसी तरह नीचे वाला क्या होगा, सेम केस है, बस खाली यहाँ पर माइनस बी है, तो हम लोग क्या लगा देंगे, cos ऑफ माइनस बी कॉमा sin ऑफ माइनस बी। अब इसमें थोड़ा सा मॉडिफाई क्या करेंगे हम लोग, हम लोग जानते हैं इस क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, cos पॉजिटिव होता है, ठीक है, और sin नेगेटिव होता है, तो दैट इज ये पॉजिटिव होता है, ये क्या होता है नेगेटिव होता है, तो हमको चूंकि ये y एक्सिस पे नीचे चले गया ना, तो हमको क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव cos ऑफ बी, तब ना मेरा नेगेटिव y का वैल्यू निकलेगा, y डिस्टेंस, ठीक है, बिकॉज cos हम लोग जानते हैं इसमें पॉजिटिव हो जाता है, समझ गया बात, ये नेगेटिव लेना पड़ेगा, इसको क्या लेना पड़ेगा, इसको पॉजिटिव लेना पड़ेगा, इसको साइन आगे नहीं देगा, बिकॉज क्यों, क्योंकि इस क्वाड्रेंट में तो साइन ऑटोमेटिक नेगेटिव होता ही है ना, ठीक है। तो ये क्या हो गया मेरा, ये मेरा यस, फिर से समझते हैं, ये इसका जो क्वाड्रेंट लिखाएगा वाई एक्सिस और एक्सिस के बेसिस पर लिखाएगा ना, तो एक्स एक्सिस ये तो मेरा पॉजिटिव है ना, ये चीज मेरा क्या, ये चीज मेरा पॉजिटिव है, तो क्या करना पड़ेगा, चूंकि हम लोग जानते हैं कॉस इसमें क्या होता है, पॉजिटिव होता है ना, तो दैट इज कोई भी एंगल है, हाँ यस, ये नेगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, बिकॉज आफ्टर स्कूल टू कोचिंग वाला कॉलेज वाला डिजाइन, तो इसमें कॉस पॉजिटिव होता है, तो इसमें जो मेरा क्या होगा, इस पॉइंट का क्वाड्रेंट लिखाएंगे, तो ये एक्सिस जितना यहाँ दूर गया और ये नीचे जितना दूर गया, यहाँ पर वही चीज लिखाएगा, क्योंकि ये मेरा क्या है पॉजिटिव डायरेक्शन में है, दैट इज पॉजिटिव डिस्टेंस है, और कॉस तो यहाँ पर पॉजिटिव होता ही है, नीचे कोई भी एंगल लें तो इसके आगे कोई साइन नहीं डालेंगे, सीधा बात है, ठीक है। और यहाँ पर साइन, साइन चूंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया है, नेगेटिव होता है उसका वैल्यू, तो हम लोग क्या करेंगे, तो साइन यहाँ पर क्या होता है, नेगेटिव वैल्यू होता है, मतलब इसके लिए इस क्वाड्रेंट के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर खाली साइन बी हम लोग लिख देंगे, ठीक है। नाउ अब यहाँ पर क्या रखना पड़ेगा, आपको एक माइनस डालना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पर हम लोग नेगेटिव एंगल को यहाँ पॉजिटिव कर दिया है ना, तो मतलब इस साइन बी का तो पॉजिटिव वैल्यू होगा ना, तो यहाँ नेगेटिव देंगे तब ना ये वाई एक्सिस मेजर करेगा नेगेटिव डिस्टेंस, कॉस बी यहाँ कॉस पॉजिटिव एंगल बना दिया है इस चीज को, तो पॉजिटिव ऑलवेज पॉजिटिव ही मेजर करेगा। अब नेक्स्ट लेते हैं उसी बेसिस पर इसको लेते हैं, ये वाला क्या हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा एंगल ये प्लस बी है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ ए प्लस बी कोमा साइन ऑफ ए प्लस बी, ये मेरा आ गया कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब यहाँ पर तो ये भी एंगल का ए प्लस बी है, ये भी मेरा एंगल ए प्लस बी है मेजरमेंट के मामले में, तो ऑटोमेटिक अगर एंगल सेंटर में एंगल बराबर है, इसका मतलब कॉर्ड सब, कॉर्ड मतलब क्या हो गया, कॉर्ड माने एल एम, मतलब एल एम कॉर्ड और ये जो है आर एस, ये दोनों कॉर्ड क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, दैट इज हमको यहां से क्या मिलेगा, एल एम इक्वल टू आर एस, तो होल स्क्वायर भी बराबर, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो एल एम, एल एम का डिस्टेंस फॉर्मूला, ये पॉइंट मेरा क्या हो जाएगा, ये कोऑर्डिनेट ये हो जाएगा मेरा 1, 0, बिकॉज रेडियस 1 और 0 हो गया, सीधा बात है। तो एल एम 1 माइनस कॉस ए प्लस बी पूरे का होल स्क्वायर प्लस फिर क्या हो जाएगा 0 माइनस साइन ए प्लस बी पूरे का होल स्क्वायर, ये हो गया एल एम वाला। आर एस, आर एस मैंने क्या हो जाएगा, आरएस माने ये चीज जगह कॉस बी माइनस कॉस ए, कॉस बी माइनस कॉस ए पूरे का होल स्क्वायर साइन बी माइनस साइन बी माइनस साइन ए पूरे का होल स्क्वायर, इसको हम लोग सिंप्लीफाई करके दिया जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस बी प्लस 2 कॉस ए प्लस बी प्लस नहीं माइनस आएगा बिकॉज 1 माइनस ए बी, और ये क्या हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस बी, अब नीचे वाला क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 कॉस ए कॉस बी, ये हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर चलेगा साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस 2 साइन ए साइन बी,
अब क्या होगा यहाँ पर से हमको क्या ये राइट साइड दिखते हैं, कॉस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी बराबर कितना जाएगा वन, कॉस करे प्लस साइन करे बराबर फिर वन हो गया, माइनस क्या बचा टू, ये माइनस में क्या बचा टू कॉस ए कॉस बी माइनस टू, अगर टू कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस साइन ए साइन बी, इतना आ गया मेरे पास ना। नाउ कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, पहले तो वन है ये है, कॉस का प्लस साइन स्क्वायर थ्री मिलकर वन हो गया, माइनस टू कॉस ए प्लस बी ये मेरा आ गया वन 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 खत्म हो गया। मेरे पास बचा क्या, बचा मेरे पास खाली ई वाला चीज टू कॉस ए प्लस बी, इधर बच गया दिस पार्ट, ये वाला पार्ट इक्वल टू दिस वाला हो गया, दैट इज माइनस टू और माइनस टू खत्म हो गया, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या आया, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये हो गया।